हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और अभी हम आए हैं राजस्थान, राजस्थान की पावन धरा पर अभी हम आए हैं और फर्स्ट व्लॉग शूट करने लगे राजस्थान की जगहों पर। स्पेशल व्लॉग शूट करने यहाँ पे आए हैं। रास्ते में भी झुंझुनू आना है, तो झुंझुनू में जाके आपको कुछ और नई चीजें भी दिखाएंगे। तो अभी रास्ते में खड़े हैं, बरसात आ गई थी यहाँ पे इसलिए थोड़ी देर खड़े हैं। और थोड़ी देर बाद में अभी देख रहे हैं आप कितनी धूप भी आ गई, बरसात के तुरंत बाद धूप भी आ गई है। तो दोबारा सफर की शुरुआत करते हैं, सोचा थोड़ी देर के लिए वो लोग शुरू करके और आपको दिखा देते हैं लोकेशन। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू आज का पूरा दिन आपको दिखाते हैं कैसे स्पेंड किया है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। राजस्थान में है अभी हम और बेर तोड़ने आए हैं झाड़ी के। तो देखिए बेर। और दाढ़ी जो आज ये झाड़ी है ऊपर आप देखिए। तो घूमने आए थे, आपको आपका यहाँ का नजारा दिखाते हैं और दिखाते हैं कैमरा मैन आपको हमारा। ये देखिए हमारा कैमरामैन, इसको बुलाया गया है स्पेशल अमेरिका से शूटिंग के लिए। क्या बोला तूने? देखिए इसके पोज कैमरामैन के, ये हमें सिखाता रहता है ऐसी शूटिंग। और ये देखिए नजारा। तो देखिए दोस्तों, ये इनके खेत हैं और बारिश अब की बार अच्छी हुई नहीं है, तो फसल आप देख सकते हैं कितनी खराब हुई है। ये देखिए चने की फसल है, ये बहुत ही खराब और खस्ता हालत में बारिश न होने की वजह से। ये सिर्फ और सिर्फ बारिश पर डिपेंड करती है इनकी खेती, लेकिन अब की बार बारिश ना मात्र हुई नहीं है। सीजनल बारिश जो होती है उस टाइम पे, तो अभी इसका हार्वेस्टिंग टाइम है, लेकिन इसको क्या ही हार्वेस्ट करे। इसके अंदर दाना भी प्रॉपर नहीं बना है और फसल भी ऑलमोस्ट खराब ही है। हेलो दोस्तों, अभी हम बैठे हैं कुंड पे और ये राजस्थानियों के पानी पीने की एक पारंपरिक विधि है जो कई वर्षों से ये यूज करते आ रहे हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, इसमें स्लोप है, ढलान बनाई गई है, जो भी बरसाती पानी आता है वो ढलान के थ्रू अंदर चला जाता है कुंड में। और ये इसको सालों सालों तक इस्तेमाल करते हैं, ये पानी खराब नहीं होता। तो आइए आपको दिखाते हैं विधि कि कैसे ये पानी इस माध्यम से, स्लोप के माध्यम से और इन होल के थ्रू, जो होल आप ये देख रहे हैं, इन होलों के थ्रू ये पानी जाता है अंदर। अभी यहाँ पे आप मिट्टी और घास और थोड़ी गंदगी देख रहे हैं, लेकिन जब बरसाती सीजन होता है तो ये लोग इसकी प्रॉपर सफाई कर देते हैं, ताकि जो पानी आता है वो बहुत ही सफाई से अंदर जाए, ये गंदगी वगैरह जो यहाँ पे है वो पानी के साथ ना जाए। ये जो एक बकेट या बाल्टी या डिब्बा बांध के रखते हैं लोग रस्सी से, और देखिए आप इसमें पानी का स्तर कितना लेवल है पानी का। और ये जो बकेट अंदर जा रही है इसके माध्यम से ही, इस पानी को खींच कर ऊपर कर लिया जाता है, पानी है पीने लायक। देखिए पानी कितना साफ है। बहुत
बहुत ही मीठा बरसाती पानी है। तो हमें देखकर यहाँ कुछ गाय आ गए हैं, वो तो पानी पिलाते हैं। यहाँ पे पानी मिलता नहीं है। दोनों लड़कों ने खूब मदद करी है, आज खूब मेहनत करी है और इसको फिर से भर के रख दिया है। तो देखिए गाय जा रही है पानी पी के। देखिए दोस्तों कितनी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही मस्त। थक गए इतनी देर चल चल के, वो आराम करेंगे थोड़ी देर। और चलिए एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। थोड़ी देर बाद में आपको सारी चीज दिखाएंगे, यहाँ जो आसपास और भी कई चीजें हैं। तो एक बार आप देखिए बाहर दूर का नजारा और हम कहाँ खड़े, और हमारे दो साथी चल नहीं पाए, वो वहीं बैठ गए। तो देखिए यहाँ देखिए जरूरत की ऑलमोस्ट सारी चीजें इस बकेट में, इनकी चाय चीनी वगैरह है, इस बर्तन में चाय बनाते हैं। और ये देखिए इसमें इनके औजार वगैरह कुछ रखे होते हैं, कट्टे पल्ली। और इस बिस्तर पे करते हैं आराम। स्वागत है आपका। और देखिए बकरी के साथ मस्ती हो रही है। तो अभी छोटो महाकाल का सेट ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।